ये फिर चालू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू मरीन गीक यूट्यूब चैनल। दिस इज़ चीफ इंजीनियर स्वप्निल तामनकर और आज का टॉपिक है HTCW कोर्स कैसे करें, HTC रिफ्रेशर कोर्स कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चले फिर शुरू करते हैं। HTCW कोर्स करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मरीनर के लिए होता है उसका इंडॉस प्रोफाइल, सी फेरर प्रोफाइल अपडेट करना है। हर चीज़ में अपडेट करना है, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट नंबर अगर चेंज हुआ है तो, आपकी मोबाइल नंबर एंड ईमेल हैज़ टू बी अपडेटेड। पहली चीज़ वो करनी है। बहुत लोगों के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं लेकिन इंडोस प्रोफाइल में पुरानी ईमेल और मोबाइल नंबर सेम रहती है। पहले चीज़ आपको वो करनी है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल चेंज एंड प्रोफाइल अपडेट। चलते हैं फिर देखते हैं प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे, मोबाइल और ईमेल कैसे ऐड करनी है और एनी अदर रेक्टिफिकेशन या फिर आपके इंडोस प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करने हैं। सो विल गो टू दी नॉर्मल digishipping.gov.in वेबसाइट एंड क्लिक ऑन दी ई गवर्नेंस टैब एंड देयर वी विल हैव दी लॉग इन पेज। वी हैव लॉग्ड इन एंड विल गो टू अपडेट सी फेयर टैब एंड यू विल सी लॉट ऑफ लिंक्स ऑन टॉप ऑफ इट। क्लिक ऑन ईच ऑफ दिस लिंक एंड the links to update your Seafarer profile is all self-explanatory. Any correction you require to do in this particular Seafarer profile, like a major change like name change, address change, etc. over here, then there is a link for request for corrections in your Seafarer profile which will open up this page. The left hand side will show the existing, what is existing in your profile, and the right hand side will show you the proposed changes where you will amend whatever you need. And as per the rules, just upload your passport, Aadhaar card if any, etc., indoor certificate, and you can get it corrected. आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया, आपकी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेटेड हो गए और अभी चलते हैं फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट। इसी चैनल पे फोटो सिग्नेचर अपडेट कैसे करने हैं ये वीडियो पहले से ही बना रखा है। आई बटन पे लिंक दिए जाएंगे, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया जाएगा। प्लीज़ चेक करें आपके फ़ोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपडेट करने हैं। जो आप अपडेट करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर को, वो ऐसे वैसे फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करके आपका अपडेशन नहीं होने वाला है। डीजी शिपिंग ने क्लियर कट गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कौन सा फ़ोटो एक्सेप्टेबल है, कौन सी सिग्नेचर एक्सेप्टेबल है। उन्हें कहते हैं फ़ोटो सिग्नेचर के गाइडलाइंस। गाइडलाइंस कहाँ है, कौन से है, क्या है, पूरी जानकारी का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी गई है। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट होने के बाद में आपको वापस वही वेबसाइट पे लॉगिन करना है और वहाँ पर आपकी नई फ़ोटो दिखेगी और उसके नीचे में 3 लाइव इमेजेस के स्लॉट्स एम्प्टी बॉक्सेस नज़र आएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में वहाँ पर आपको 3 लाइव इमेजेस आपके वेब कैमरा या फिर आपके सेल्फी कैमरा से आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं और उसके बाद ही आपका ई लर्निंग का फेशियल वेरिफिकेशन इन लाइव इमेजेस के साथ कंपेयर किया जाएगा और आपको साइन इन करने अलाउड है। तो फिर आपका फ़ोटो सिग्नेचर इंडोस प्रोफाइल फ़ोटो मोबाइल और ईमेल सब कुछ अपडेटेड हो गया है। आपकी सी सर्विस अपडेटेड हो गई है, आपका इंडोस प्रोफाइल सी फेरर प्रोफाइल सब रीति से अपडेटेड हो चुका है। चलिए फिर अभी HTCW कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स कैसे करते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। डीजी शिपिंग ने
यही सारे कोर्सेस तीन स्टेप में डिवाइड कर दिए हैं, टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री। टीयर वन को कहते हैं ई लर्निंग, टीयर टू को कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, टीयर थ्री को बोलते हैं एग्जिट एग्जाम। डीजी शिपिंग के ये थ्री टीयर कोर्सेस क्या है और अधिकतर जानकारी के लिए इस चैनल पर पहले से ही डीजी शिपिंग थ्री टीयर कोर्स का वीडियो अपलोडेड है, जरूर देखना। आई बटन पे उसकी लिंक दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे भी देखना, जरूर देखना ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो होने के बाद।